बताना तो तुम्हें पड़ेगा आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, खुशी करने की कोशिश क्यों की। तुम फर्ज से भाग रहे हो या डर रहे हो? मैं फर्ज से नहीं सर, अपने आप से भाग रहा था। और मैंने जिस मुश्किल में इस शहर को डाला है, मुझे मौत भी इतनी आसानी से नहीं आएंगी। जो भी इस शहर में हो रहा है आदिल, उसकी वजह तुम नहीं हो। एक आदमी की बुनियाद हिलाने चला था और आज देखिए पूरा शहर हिल गया। कौन आदमी, किसकी बात कर रहे हो तुम? सुल्तान। सुल्तान? सुल्तान को यावल से प्यार हो गया था और वो नहीं चाहता था कि यावल की सड़कों पर दहशत फैले, इसीलिए पठान वरदान और शमशेर से उसकी मुलाकात जरूरी थी। बच्चे सभी के तेज हैं, हम आपस में लड़े तो इसमें नुकसान हम सबका ही है। सोच लो, बात खत्म करनी है या कहानी शुरू? तो कहना क्या चाहता है सुल्तान? आज से खिरनीपुरा आपका। सुल्तान, अगर ये बंटवारा हमें मंजूर ना हुआ तो? हम सब आपस में लड़ेंगे तो इसमें पुलिस के काम आसान होगा, हमारा नहीं। जब दोस्त बनाए काम हो सकता है पठान भाई, तो दुश्मन क्यों बनाना? आज से बाबूजीपुरा आपका, बाबा नगर आपका और वरदान भाई आपका, आज से खिरनीपुरा। क्या मोहल्लों के हिसाब से शहर बांट रहा है सुल्तान? मोहल्ले के कमिश्नर कोई भी हो, शहर के एमएलए तो हम ही हैं। सुल्तान, सारा शहर तो बांट दिया हम लोगों ने, खुद के लिए क्या? वैसे भी मुझे धंधे के लिए जमीन की जरूरत नहीं, समंदर है मेरे पास।